आओ बहन चुगली करे, क्योंकि मजा तो चुगलखोर आंटी की चुगलियों में ही है। लो भाई मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा और अनुज को अलग करने के लिए श्रुति बार बार कुछ ऐसा कर जाती है जिससे अनुज और अनुपमा के जख्मों पर नमक लग जाता है। तभी तो अनुपमा ने अपनी अनुज और झूठी की फोटो ही जला डाली ताकि वो अपने इस कल को छोड़कर आगे बढ़ सके। तू नहीं रह पाओगी, जो रिश्ते तकदीर में नहीं होते वो तस्वीर में भी नहीं होने चाहिए। लेकिन अनुपमा भूल गई कि अनुज और उसके बीच छोटी अनु नाम की एक कड़ी है। धीरे धीरे ही सही छोटी और अनुपमा करीब आ तो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि श्रुति जानबूझकर अनुज को उससे नफरत करने पर मजबूर कर रही है। तभी तो अनुज उसे छोड़कर अनुपमा के पास जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पास। अनुज मैं इसके पास हूँ, आप आके बंद कर दीजिए। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब झनक और अनिरुद्ध कितनी भी कोशिश कर ले ये दिखाने की कि उन्हें इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि अनिरुद्ध झनक की शादी से काफी परेशान है। तभी तो उसकी इस चोरी को अर्शी ने पकड़ लिया। लेकिन अनिरुद्ध का झूठ बोलना तो खत्म ही नहीं हो रहा। सिर्फ एक सोशल वर्क की तरह लेता हूं, दैट्स इट। जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं उससे ज्यादा समझती हूँ, बट आज बहस नहीं। लिसन अर्शी, मुझे गलत मत समझो। झनक जो एक रैंडम लड़की अगर मुझे बेइज्जत करेगी तो मैं पलट के जवाब दूंगा उसे, एंड इट्स वेरी नेचुरल। झनक आप भी खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको भी अनिरुद्ध से दूर जाने में डर लग रहा है। अरे दीदी, क्या पता नहीं क्या क्या बोल दिया मुझे, इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था उनके साथ, गलती मेरी है, मैं मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया। क्योंकि बेइज्जत हो के थक गई हूँ, कितना और सहूंगी मैं, जानती हूँ कि मेड हूँ, इस घर का काम करती हूँ, लेकिन बार बार ये एहसास दिलाना जरूरी है क्या? इंसान हूँ मैं, मुझे भी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है बड़ो माँ। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। भाई अब ईशान दिन ब दिन सभी के लिए देवता बनता जा रहा है। उसने हरिणी की जान एक बार फिर से जो बचा ली, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राज तो अभी खुलना बाकी है। जिस इंसान को सभी अपने लिए एक फरिश्ता समझ रही है, उसी की वजह से उसके पूरे परिवार की जान गई है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ईशान सर, ताई ठीक हो गई सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। ये लीजिए, अब तक तो हमें लग रहा था कि नताशा ये सब कुछ खुद के लिए कर रही है, लेकिन ये तो सासू माँ की सबसे बड़ी चाल है। बेचारी नताशा एक बार फिर से उसमें फंस गई, यानी कि फिर से शुरू हो गया है सास बहू का ड्रामा, और धवल बेचारा एक बार फिर से इसमें फंसने वाला है। आज इस घर की कई प्रथाएं बदली गई हैं, तो मैंने सोचा एक प्रथा और बदल देते हैं। इसलिए आज तू अपनी सुहाग रात के दिन अपने पति को ये तोहफा देगी।
की माँ कर रही है नताशा को ब्लैकमेल कि वो नताशा का सबसे बड़ा राज खोल देगी उसके भाई के सामने। ये तो हम सभी जानते हैं कि नताशा की वजह से ही अमरीश को उसका सब कुछ वापस मिल गया है। अब बस इसी बात पर उसकी सासू माँ उसे ब्लैकमेल कर रही है, यानी कि यहाँ पर नताशा जो है वो अपनी सास के इशारों पर नाचती हुई नजर आएगी। और अगर तूने ऐसा नहीं कहा जैसा इसमें लिखा है तो तेरा ये वीडियो सीधा तेरे भाई यशोधन के पास पहुंचा दिया जाएगा। अगली चुगली लेकर आई हूँ मैं सीरियल इमली की। भाई हर सीरियल की तरह इमली की कहानी भी सेम ही चल रही है। अब इमली की जिम्मेदारी लेते हुए सूर्या ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन ये बात वो इमली और अपने परिवार को कैसे समझाए। एक तरफ उसकी माशूका है जिसे छोड़कर वो इमली के साथ है। अब ये देखकर तो किसी को भी शक होगा ना। लाउरेट ने अपने प्यार को छोड़कर हमसे ब्याह काहे किया? वो कुछ भी ना बोले फिर भी हम पता लगा के रहेंगे। इमली को पता नहीं चल सकता कि अगस्त का डेथ मेरा वजह से हुआ है। मैं नाना माँ से वादा किया था ये राज मैं कभी खुलने नहीं देगा। अब इमली भी इसी सच का पता लगाने में जुट गई है। ये राज तो खुलेगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन इस बीच इमली और सूर्या की नजदीकियां भी बढ़ने वाली है। लो भाई मैं तो चली। ABP News आपको रखे आगे।